dear students, uh, we are studying the dimensions of social research. and in previous modules, we have talked about the use and audience of research. now we are going to study uh, the second dimension of research, which is a purpose of research. and on the basis of purpose of research, we categorize three types of research, which are explorative research, Descriptive research and explanatory research. Now we are going to study what is explorative research and what is descriptive research and how explanatory research differs from the uh, descriptive and explorative research. First of all, let's see what is explorative research. Explorative research is, conducting, uh, is conducted to examine a little understood issue or phenomenon. एक्सप्लोरेटिव रिसर्च uh, जो है वो तब कंडक्ट की जाती है जब किसी सोशल इशू के मतलब और किसी फिनमिन के मतलब जो है uh, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो बड़ा लिमिटेड हो और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू डेवलप प्रिलिमिनरी आइडियाज़ अबाउट इट एंड मूव टूवर्ड्स रिफाइंड रिसर्च कंड क्वेश्चन एक्सप्लोरेटिव रिसर्च के रिजल्ट की बेसिस पे ही हम किसी जो है रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करते हैं तो व्हेन वी कंडक्ट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च वी कंडक्ट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टू अंडरस्टैंड इमर्जिंग सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा है कि वी हैविटनेस्ड पेंडेमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोविड नाइन्टीन के बाद दुनिया बदल गई और जब ये कोविड नाइन्टीन आउटब्रेक हुआ तो उस वक्त जो है आ, किसी ने आ, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने उससे पहले पैंडमिक की सिचुएशन देखी हो आ, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया और एक तरह से मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी रुक कर रह गई इकोनॉमिक क्राइसिस का दुनिया शिकार हुई तो उसका जो इम्पेक्ट था लोगों की ज़िंदगियों पे वो उससे पहले लोगों ने स्टडी नहीं किया हुआ था तो इसको समझने के लिए जो इनिशियल रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की गई उसको एक्सप्लोरेटिव रिसर्च स्टडीज़ कहा गया जैसे कि कोविड का मेंटल uh, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आया कोविड का लोगों की सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया कोविड ने कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को ट्रिगर किया तो इन तमाम इश्यूज को जब इनिशियल uh, डेज़ में स्टडी किया गया तो जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई उनको एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कहा गया एंड वी कंडक्ट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टू स्टडी सोशल एंड कल्चरल चेंज इन एनी सोसाइटी हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च कन्डक्ट करते हैं जब किसी सोसाइटी में सोशल और कल्चरल चेंज आ रहा हो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है सिविलाइजेशन का इसको हम टेक्नोलॉजी uh, की uh, दुनिया कहते हैं और आए दिन इतना ही जायदाद हो रही हैं और वैसे भी ये माना जाता है कि जो सोशल और कल्चरल चेंज आता है उसमें बड़ा किरदार जो है वो टेक्नोलॉजी का होता है तो आज जो टेक्नोलॉजीज़ uh, इन्वेंट uh, हो रही हैं और उसकी बेसिस पे जो हमारी दुनिया तब्दील हो रही है और उसका कैसे इंसानों पर मुख्तफ अंदाज से असर होता है उसका सोशल इम्पेक्ट क्या है उसका इकनॉमिक इम्पेक्ट क्या है उसका पोलिटिकल इम्पेक्ट क्या है उसका इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर क्या्पेक्ट है तो इसको समझने के लिए जो रिसर्च स्टडीज़ की जाती हैं उसको हम एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ कहा जाता है एंड वी कंडक्ट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च टू डिस्कवर वेरियस डायमेंशन ऑफ एनी सडन चेंज जब uh, कोई ऐसा सडन चेंज आ जाए तो हम उसकी डायमेंशनस को समझने के लिए जो स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं वो एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ होती हैं जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान हैज़ बैडली अफेक्टेड बाय द फ्लड एंड लॉट ऑफ पीपल बी कैम इंटरनली डिसप्लेसड फ्राम देअर कम्यूनिटीज़ तो उसका क्या क्या डायमेंशन थी उसकी जेंडर डायमेंशन क्या थी उसकी इकनॉमिक डायमेंशन क्या थी उसका पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या आया और उसने कैसे हमारे जी डी पी को अफेक्ट किया तो इसको समझने के लिए जो जो इनिशियल स्टडीज़ हुई उनको हम एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ कहते हैं

उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं एंड वी डेवलप टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एंड लोकेटिंग फ्यूचर डेटा और उसी की बुनियाद पर जो है हम जो है रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद एक्सप्लोरेटिव uh, रिसर्च के रिजल्ट के बेसिस पे हम उसके टूल्स डिवेलप करते हैं जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जब कोविड नाइन्टीन आया तो एक बात तो uh, जो फर्स्ट इनिशियल स्टडीज थी उसमें सामने सामने आई कि कोविड नाइन्टीन इज़ अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ़ द पीपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ़ द पीपल वेरियस रिसर्चर डिवेलप द न्यू स्केल्स उसमें से एक फीयर ऑफ कोविड नाइनटीन भी एक स्केल था जिससे ये लोगों में असेस किया जाया गया कि लोगों में करोना का खौफ कितना पाया जाता है और उसी की बुनियाद पर उनकी जहनी सेहत कैसी है तो इस तरह जब भी कोई सडन चेंज होता है कोई न्यू सोशल फिनमिना इमर्ज होता है तो हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च की बुनियाद पर ही काबिल होते हैं कि हम आ, बता सकें अपनी रिसर्च कम्युनिटी को कि उसको हम आ, जो है फ़र्दर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके ऊपर किस तरह की रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करने की ज़रूरत है